नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सिर्फ भोजपुरी में ही रह जाते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब भोजपुरी नहीं रहा है, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जो है अब जाकर बॉलीवुड में भी तहलका मचा रहे हैं। और बॉलीवुड के चाहे वो रियलिटी शो हो या फिर बॉलीवुड की फिल्में हो या फिर बॉलीवुड के गाने हों या फिर बॉलीवुड के रियलिटी शोज हैं, उस पर कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं और अपने टैलेंट के माध्यम से पूरे देश में कहीं ना कहीं अपना पर जो है वो फैलाने की बात कर रहे हैं। और लगातार ऐसी खबरें आप लोगों के बीच भी आती होगी। बात करें तो पवन सिंह ने भी कई सारे ऐसे तमाम बॉलीवुड गाने गाए हैं जो कि काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरा है। और उस गाने में अगर हम बात करें तो उनका एक गाना आया था जिस गाने का नाम था कमरिया हिला रही है। जी हाँ, कमरिया हिला रही है गाने पर बहुत ज़्यादा प्यार मिला था और इस गाने को जो है ट्रेंड लिस्ट में भी पहुंचाया गया था, यानी कि गाना ट्रेंड में पहुंचा था और लगभग 70 मिलियन प्लस से ज़्यादा जो है इस गाने पर व्यूज आ गए थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग अगर बॉलीवुड में जाकर गाना गाते हैं तो वहाँ पर भी तबाही मचाते नजर आते हैं। वहीं बात करें तो अभी अक्षरा सिंह जो है बादशाह से मिली है, जो रैपर हैं, तो इतने बड़े रैपर के साथ अक्षरा सिंह अब मुलाकात की है तो ज़रूर कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बादशाह कितना बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है और उनके साथ अक्षरा सिंह का आना ये भोजपुरी के लिए काफी पॉजिटिव और सांकेतिक तौर पर अच्छा चीज दिखा रहा है। वही अगर हम बात करें तो खेसारी लाल यादव ने भी कई सारे बॉलीवुड के गाने गा दिए हैं और बॉलीवुड के गाने पर जो उनको प्यार मिल रहा है, बॉलीवुड पे जो गाने को उनको स्नेह मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। और इतना ज़्यादा दिलचस्प है कि उनके गाने एकदम ब्लॉकबस्टर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहे हैं और उनके गाने भी कई सारे बॉलीवुड जो थे वो ट्रेंडिंग में गए थे। बात करूं तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी गाना तो गा ही रहे हैं, साथ में बॉलीवुड सॉन्ग भी गा रहे हैं, लेकिन विद कंपेरिजन अगर हम 10-15 एल्बम के पिछले की बात करें तो उसमें बॉलीवुड के सॉन्ग जो हैं उनके काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाए हैं और बॉलीवुड के गाने पर अच्छा व्यूज मिला है। और उसमें एक्टिंग और उसमें जो एक्ट्रेसेस हैं, जो उनके साथ मॉडल्स नजर आ रही हैं, वो देखने के बाद तो दिल लोगों का दिल जो है वो पसीस जा रहा है। और खेसारी लाल यादव को लोग कह रहे हैं कि अब भोजपुरी को छोड़िए, भोजपुरी में गाते रहिए लेकिन बॉलीवुड पर ज़्यादा फोकस कीजिए और पूरे देश में जो है अपना कहर दिखाइए। तो ये बहुत बड़ी बात है और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी है कि हमारे भोजपुरी के कलाकार जो है वो जाकर बॉलीवुड में अपना पैठ जमा रहे हैं, अपना पैर जमा रहे हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम बना रहे हैं। कुछ इतिहास की बात करें तो खेसारी लाल यादव का अभी अभी एक गाना रिलीज हुआ था जिस गाने का नाम था इश्क। और इश्क गाना इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपने गाना को देखा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि आखिरकार खेसारी लाल यादव का ये गाना कितना बेहद खूबसूरत है और उसमें जो एक्टिंग की गई है, उसमें जो गाने गाए गए हैं वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। बात करें तो इस गाने को स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था और इस गाने पर लगभग 6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अभी 2-3 दिन ही हुए हैं कि इसके बाद जो गाना है वो 6 मिलियन क्रॉस कर गया है और लगातार जो है आगे बढ़ते नजर आ रहा है। वही अगले के गाने की बात करें तो तू लड़की है ऑक्सीजन नहीं, तू लड़की है ऑक्सीजन नहीं, ये गाना अभी फिलहाल रिलीज हुआ था और इसमें भी जबरदस्त तरीके की एक्टिंग दिखाई गई थी और उस गाने पर 15 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके थे। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाना पर कितना ज्यादा जो है वो व्यूज नजर आए हैं। बात करें तो उनका एक और गाना रिलीज हुआ था जो कि रेड लिपस्टिक के नाम से था और रेड लिपस्टिक गाना तो शायद ट्रेंडिंग में भी गया था। तो रेड लिपस्टिक जो गाना था उस पर 53 मिलियन यानी कि 53 मिलियन जो है व्यूज मिल चुके हैं, यानी कि 5,30,00,000 जो है इस गाने पर व्यूज मिल चुके हैं। तो आप बस इसी से अंदाजा लगाते रहिए कि उनका जो क्रेज है वो कितना जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बात करें तो वही भोजपुरी गाने जब जैसे कि पीछा ना छोड़ अब गोरी 1.4 मिलियन गया है, देवराज सेजिया कोड़ेला 6 लाख भी हो गया है, तो ये तमाम सिंग जो गाने रिलीज हो रहे हैं उसमें जो है खेसारी लाल यादव के जो हिंदी गाने हैं उस पे लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट मिल रहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव जो है अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड की ओर अग्रसित कर रहे हैं और बॉलीवुड में जाकर धमाल मचाने वाले हैं। बाकी इनको लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में घुसने को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बाकी जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाट्यूट पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।